हाँ भाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनो का ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन का ऑप्शन फॉर्म आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको डिटेल्स भरनी है जिस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट में सिलेक्शन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए ग्रेड सी में काफ़ी मिनिस्ट्रीज हैं, सीबीआईसी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, माइंस भी है। तो इसमें देखिए कोड भी लिखा हुआ है, C1, C2, C3, C4, C5। तो आपको जिस हिसाब से अपना डिपार्टमेंट चाहिए उस हिसाब से आप उसको फिल करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले आपको CBIC में चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो आपको पहले नंबर पर C1 भरना रहेगा। इस तरह से आपको भरना रहेगा। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। देखिए इसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है। अब देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी, अभी फाइनल वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म आया है ये आपको अभी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अभी भरें, लेकिन जब आप DV कराने जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, उस समय आपको ये फॉर्म फिल करके ले जाना है और वहाँ पे जाके उनको सबमिट कर देना है इन द टाइम ऑफ DV। ओके, अब देखिए हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कोड लिखा हुआ है। जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए ही है, D6 इसका कोड है, D6। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका कोड है D7। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी कि CGDA, इसका है D8। CGDA भी देखिए एक अच्छा डिपार्टमेंट है, उसमें आपका ट्रांसफ़र कभी एयरफोर्स में हो जाएगा, कभी आपका आर्मी में हो जाएगा। हालांकि आपका काम अकाउंट से रिलेटेड ही रहेगा, पर ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके बाद देखिए D9 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद CVET आ गया, CVET का मतलब समझते हो, इनकम टैक्स, इसका है D10। तो और CBIC D11। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग कोड लिखे हुए हैं। देखिए मिनिस्ट्रीज में कितनी सारी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरह से बहुत सारी हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, इसको हम NIA बोलते हैं। NIA भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए IB भी है इसमें, इंटेलिजेंस ब्यूरो D18, देख रहे हैं आप, D18 भी है इसमें। तो इस तरह से फॉर्म जो है आ चुका है, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए या कौन सा मिनिस्ट्री चाहिए या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उस हिसाब से देखिए नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको जो डिपार्टमेंट आपकी पहली प्रेफरेंस है उसको आपको एक नंबर पर भरना है, जो सेकेंड प्रेफरेंस है उसको दो नंबर पर भरना है, जो थर्ड प्रेफरेंस है उसको तीन नंबर पर भरना है। ये भरने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर लो हैं तो कोशिश करिएगा कि आप वही डिपार्टमेंट भरें जिनकी मेरिट थोड़ी लो जाती है। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप बढ़िएगा। जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की मेरिट DOPT वगैरह से ज़्यादा जाती है, तो आपके अगर DOPT के हिसाब से नंबर है, कम नंबर है, तो आप DOPT भर दो, आपको दिल्ली मिल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आप इनकम टैक्स भर दो। इनकम टैक्स की दिल्ली में 40 वैकेंसी हैं अभी, तो ये टेंटेटिव है, आगे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपके नंबर आए उस तरह से ही आपको फिल करना है, ठीक है। एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि ये जो आप भर रहे हो ना, ये आपका फाइनल होगा। मतलब इसके बाद आप दोबारा से इसको चेंज नहीं कर पाओगे, नहीं कि नहीं नहीं मेरी प्रेफरेंस जो थी हमने पहले कुछ और भरती थी, अब हमें कुछ और भरनी है, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपको दोबारा मौका देने वाला नहीं है। इसमें लिखा हुआ है दी ऑप्शन एक्सरसाइज अबव आर फाइनल, मतलब जो भी आप ऑप्शन भर दोगे ऊपर ये प्रेफरेंस में 1 2 3 4 करके जो भी डिपार्टमेंट भर दोगे आप, वो फाइनल रहेगा, उसको दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें लिख लिखा भी हुआ है, आई एम ऑल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस इन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाई मी अब वुड बी परमिटेड। समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, पे दिन लिखना है, प्लेस लिखना है और डेट लिखनी है, ठीक है। ये दो पेज का फाइन फॉर्म आया था, आज ही आया है। आज कितनी तारीख है, आज 5 तारीख है, तो आज ही आया हुआ है ये। तो इस फॉर्म को भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, देख करके भरिएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए आपको भरने में। जिस तरह से नंबर हैं और जो डिपार्टमेंट चाहिए उस हिसाब से भरना है आपको। और मैं बता दूं BRO में जो लोग जाना चाहते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं उसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ CGDA D8 कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट, इसमें ख्याल लगे 3 ही वैकेंसी है अभी, आगे बढ़ेंगी घटेंगी कुछ पता नहीं है, बट जहाँ तक बढ़नी चाहिए। CVET में देखिए T11, CVET में करीब करीब 40 40 टू 60 वैकेंसीज हैं, और दिल्ली में 40 है, समझ रहे हो। तो CVET भी भर सकते हो, और जिसके नंबर कम है वो CVET मत भरना, अदरवाइज आपको तमिलनाडु में कोचिन में तमिलनाडु भेजा जा सकता है, कोचिन भी भेजा जा सकता है, कोचिन जो कि केरला में, समझ रहे हो। CBIC में भी भर सकते हो,
ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद आई बी में भर सकते हो, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद हाँ सी वी सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी भर सकते हो, ये भी अच्छा है। उसके बाद मिनिस्ट्रीज में तो आप कोई भी भर दो वहाँ को उठा कर, कोई भी, अब सभी ठीक ठाक है। लेकिन मैं जो प्रेफरेंस दूंगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स दूंगा, फैमिली वेलफेयर दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलना। अगर नंबर ज़्यादा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भर देना है, पक्का मिल जाएगा आपको, दिल्ली में ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको फॉर्म, ये वाला फॉर्म फिल करना है और जाके डीपी के समय दे देना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो लोग भी इस चैनल को एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था, उनको ये वीडियो शेयर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप।